दिस इज़ फॉर यू। अभी इन में से मैं दो गपला करने वाला हूँ, यानी कि दो गायब करने वाला हूँ, एक दोस्त के लिए और दूसरा घर वाली के लिए। तो अभी हम इन में से दो उठा लेते हैं, लेट्स सी। मंजिश जी, तो अभी हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हमने सोचा कि उड़ा लेते हैं। ये तो मतलब वो प्लास्टिक वाला गुड़ी। सुभान, हैप्पी फादर डे। अस्सलामु अलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मुजफ्फर अली आपकी खिदमत में हाजिर हुए एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, इस व्लॉग को जो आज मैंने अपलोड किया है, इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं। एक जो फादर्स डे से एक दिन पहले मैंने शूट किया था, और एक जो एग्जैक्टली फादर्स डे के दिन यानी 13 रजब को। तो फादर्स डे से एक दिन पहले हमारे घर पे था नज़र, हमने शिवरेंज बनाया था, जिसे उर्दू में कहते हैं खीर, लेकिन हमारे कम्यूनिटी में इसको कहते हैं शिवरेंज, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। जो मरियाबाद और हज़ारा टाउन में रहते हैं उनको ये डिश पता ही होगा। और जो फादर्स डे के दिन था, तो हमने ऑब्वियसली फादर्स डे सेलिब्रेट किया, केक लाया था हमने, तो उसका भी शूट किया है मैंने। तो अभी हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर कुछ एडवाइस और सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। सो चलते हैं वीडियो की तरफ, वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय। शिवरेंज, और आज हमने बनाया है स्वीट डिश, यानी के शिवरेंज। दुआ। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि मैं जा रहा हूँ बेकरी कोपरा लाने के लिए, मतलब कोकोनट, जो ड्राई कोकोनट होता है हम स्प्रिंकल करते हैं शिवरेंज के ऊपर। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जाकर बेकरी से वो लाता हूँ, फिर आपसे व्लॉग में मिलते हैं। सो लेट्स गो यार। अभी मैं और दुआ जा रहे हैं बेकरी। दुआ के लिए मैं रास्ते से कुछ पापड़ वगैरह भी लूँगा, जैसे लेज वगैरह। तो अभी हम चलते हैं। दुआ कुजा मोरी। दुआ कुदम पापड़ मिल गई। सबर दुआ क्या चलो। सॉरी। तो फादर्स डे की मुनासिबत से, यानी कि वलादत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से, आज हमारे घर पे है लास्ट रोज़ा, यानी कि आखिरी दिन। तो मतलब आज हमने स्वीडिश बनाया है, जिसको हम अपने ज़माने में बोलते हैं शिवरेंज, और मतलब जो उर्दू में इसके लिए वर्ड है उसे है, हम कहते हैं खीर। तो अभी मतलब हमने इसको प्लेटों में डाला है और ये सेट भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, फिर इस पर ड्राई कोकोनट्स जो हमने बेकरी से लाया था, ड्राई कोकोनट्स फिर इसके ऊपर मतलब थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, फिर उसके बाद आपसे व्लॉग में मिलते हैं। तो ये मतलब है हमारे पास कोपरा, दो मतलब कलर्स का, पिंक और ग्रीन। तो अभी हम इनमें इनके मतलब ऊपर स्प्रिंकल्स करेंगे, ताकि मतलब थोड़ा सा खूबसूरत भी दिखाई दे, और ये माशाल्लाह से टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने ख़ुद ऑलरेडी नीचे टेस्ट किया है एक स्पून, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया।
यार अभी घर के काम से फारिग होकर मैं आया हूँ सजाद के घर। फिर यहाँ से इसको उठाकर कहीं और मतलब पहुँचाना है, इसको कहीं पर काम है, फिर उसके बाद घर जाकर वापस। तो यार अभी मैं फाइनली घर आ चुका हूँ बाहर से और बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो अभी अजान भी होने वाला है, तो उससे पहले मैं जा रहा हूँ एक दफ़ा सुबहान के घर। वहाँ से मतलब मैंने कुछ सामान पहुँचाना है वहाँ पर, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं व्लॉग में। तो यार अभी घर के सारे कामों से फ्री होकर मैं आया हूँ ऊपर और हमने सारे प्लेटों को भी ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अभी इनमें से मैं दो गपला करने वाला हूँ, यानी कि दो गायब करने वाला हूँ, एक दोस्त के लिए और दूसरा घर वाली के लिए। तो अभी हम इनमें से दो उठा लेते हैं, लेट्स सी। वो वाला सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद वो वाला भी सबसे बड़ा है। आई एम टेकिंग वन ऑफ दिस। एक ये ले लेते हैं हम, एक और भी चाहिए हमें। ये वाला लेते हैं, तो यार अभी मैंने इन दो मतलब दो प्लेटों को कमरे में रख दिया है। फिर अभी जाकर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं व्लॉग में। अभी मैं जा रहा हूँ असगर के घर। मैंने उसके लिए शिरब्रेंज लाया है और मैंने अपने दूसरे दोस्त के लिए भी मतलब शिरब्रेंज दे दिया है। फिर अभी सिर्फ इसका रहता था, फिर कुछ और दोस्तों का रहता है, इनको पहुंचा कर फिर आपसे व्लॉग में मिलते हैं। डिलीवरी बॉय, अभी मैंने एक प्लेट हैदर के घर में भी दे दिया है और सिर्फ ये रहते हैं जो मतलब किसी और का है। फिर इसको भी दे कर जाएंगे मेरे एक और दोस्त के घर, वहाँ से मुझे कोई सामान उठाना है अगर वो घर पे हुआ तो, क्योंकि वो घर पे नहीं होता हमेशा। तो अभी हम इधर जल्दी से आएगा तो फिर उसके बाद। लुक एट द ब्यूटीफुल स्काई। कॉर्न आइसक्रीम। तो अभी से हम आए हैं गोल्ड सिटी के पास आइसक्रीम खाने। यहाँ से आइसक्रीम खाकर फिर चलते हैं घर। थैंक यू कि आपने पे किया मेरा भी करा है, शुक्रिया शुक्रिया। लेट्स ईट। दिस इज फॉर यू। तो अभी जो सीन आप देखने वाले हो वो है बेसिकली 13 रजब के दिन, यानी कि एग्जैक्टली फादर्स डे के दिन। तो आप वीडियो आगे तक देखो। तो यार अभी हम हजारा ग्रेवयार्ड में आए हैं, मतलब कब्रिस्तान में। अभी जो मतलब मेरा कज़न है, इन्होंने गुड़ी भी लाया है अपने साथ। बीदी मंजिशी। तो अभी हवा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हमने सोचा कि उड़ा लेते ये। तो मतलब वो प्लास्टिक वाला गुड़ी। सुभान बिगर माय वीडियो पेन। हैप्पी फादर डे। तो यार अभी कुछ देर पहले मुझे मिला था नज़र, जो मैंने पूरा ख़त्म किया है, और उसके बाद मुझे पता चला कि मैं व्लॉगिंग कर रहा था और हमने भी मतलब पतंग उड़ा लिया है। अभी टाइम हो रहा है घर जाने का, तो मैं जल्दी से इसको खा कर फिर चलते हैं घर। सो लेट्स गो। तो यार अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच चुके हैं और अभी जाते हैं अंदर, थोड़ा सा खाना और खाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ही भूख लगा है।
फिर उसके बाद शावर करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ट्यूशन की तरफ, और हमने अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ा है। सो चलते हैं अंदर। सो या लेट्स गो। तो यार घर में खाने के लिए अम्मी ने ख़ुद बिरयानी पकाया है, तो अभी हम इसको खाते हैं। और हमें ऑरेंजेस भी नज़र मिला रास्ते से, तो अभी हम जल्दी से इसको खाते हैं फिर चलते हैं शावर करने। साउंड्स गुड। तो यार इस सीन के बाद मैं गया हुआ था ट्यूशन, फिर उसके बाद मैं जब रात को घर आया फिर उसी वक्त ही फारिग हुआ, तो मैंने वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट किया। फिर हमने रात को घर में भी फादर्स डे सेलिब्रेट किया, तो अभी आप वीडियो में देख सकते हो। आज रात के खाने के लिए हमारे पास है मटन कढ़ाही स्पेशल। तो यार आज रात के खाने के लिए तैयारी जारी है, और अभी मैं मॉन्स्टर भी पी रहा हूँ थोड़ा सा। हैप्पी फादर डे टू ऑल ऑफ यू। एंड हैप्पी फादर डे। माशाल्लाह से हमारा कढ़ाही मतलब भी रेडी हो चुका है, और इसका जो स्मेल है, इसमें से जो धुआं निकल रहा है, इससे ही मतलब जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा स्मेल कर रहा है। तो यार अभी कुछ देर पहले मैं गया हुआ था तंदूर पर नान लाने के लिए, नान थोड़ा सा कम हो गया था, तो अभी हम चलते हैं घर के अंदर क्योंकि खाना भी रेडी हो चुका है। फिर दस्तरखान सजाते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं खाना। सो लेट्स गो। हैप्पी फादर डे। तो अभी हम इसको उठा लेते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, और अगर कुछ एडवाइस और सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।